तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, मींस कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहां पर मैं डेमो के लिए एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, उसका आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूं। अकॉर्डिंगली आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ऑर्डर प्लेस करने का स्टेप सेम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके फ्लिपकार्ट सर्च कर लेना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आप जिस भी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे या फिर आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह से आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, मोबाइल, ब्यूटी टॉयज एंड मोर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी अप्लायंसेस, होम एंड किचन अप्लायंसेस, मेडिसिन, फर्नीचर, होटल रूम्स, ये सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मीन्स यहाँ पे आप लगभग दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकते हो, अर्थात किसी भी सामान की शॉपिंग कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च में जा करके सर्च कर सकते हो किसी भी सामान को, अर्थात किसी भी प्रोडक्ट को, और उसे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मैं टी शर्ट खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टी शर्ट सर्च करूँगा, टी शर्ट मैन। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन का परमिशन देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट्स दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का फोटो दिख जाता है, प्रोडक्ट का नाम दिख जाता है, प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है वो दिख जाती है, कितना परसेंट आपको इसमें डिस्काउंट मिला हुआ है वो परसेंटेज दिख जाता है, और फ्री डिलीवरी होने पे यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप प्रोडक्ट के फोटो, प्राइस, इन चीज़ों को देख करके कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, मुझे ये टी शर्ट पसंद आ रहा। अब यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उस प्रोडक्ट का आपको अलग अलग फ़ोटो दिख जाएगा और उसके की हाइलाइट्स दिख जाएंगे। तो अलग अलग एंगल से प्रोडक्ट का आपको फोटो मिल जाता है। आप अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टी शर्ट के केस में आप टी शर्ट की साइज और उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे वैसा ही आपको स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। अगर मैं मोबाइल देख रहा होता तो यहाँ पर मुझे मोबाइल का रैम, रोम, वो सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए मिलता। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोडक्ट का नाम दिख जाता है, कितनी रेटिंग है इस प्रोडक्ट की वो दिख जाएगी। तो ये रेटिंग आपको बहुत मदद करता है सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। मीन्स यहाँ पे 76,000 से ज़्यादा लोगों ने इस टी शर्ट को 4 रेट किया है, 4-star रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। मीन्स ये अच्छा प्रोडक्ट है, रेटिंग इसकी गुड है। फिर से यहाँ पे आपको कितना परसेंट ऑफ मिल रहा वो दिख जाता है, कितना इस प्रोडक्ट की प्राइस है वो दिख जाता है, फ्री डिलीवरी है इसमें। बाकी आप नीचे स्क्रॉल करके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे टी शर्ट के केस में मैं साइज सेलेक्ट करूँगा, मैंने एल साइज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको और भी दिख जाते हैं। बाकी और भी नीचे स्क्रॉल करने पे आपको इस प्रोडक्ट का हाईलाइट दिख जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट प्योर कॉटन का बना हुआ है, रेगुलर मशीन वॉश कर सकते हैं, साइज इसका रेगुलर फिट है, प्रोडक्ट का और भी डिटेल दिख जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों के आप रेटिंग के साथ साथ रिव्यूज़ भी देख सकते हो। मीन्स लोगों ने खरीदने के बाद इस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दिया है, क्या कहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और लोगों ने पिक्चर भी क्लिक करके इसका अपलोड किया है, आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट सही लगता है तो यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे और इसको कार्ट में ऐड कर लोगे। तो कार्ट को आप एक थैले की तरह समझ सकते हो, जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हो तो एक एक करके आप थैले में सारा सामान रखते हो, उसके बाद आप एक साथ बिलिंग करते हो काउंटर पे जाके। उसी तरह से यहाँ पे आप अलग अलग सामान को एक बार कार्ट में ऐड कर लोगे, जैसे कि मान लो मुझे टी शर्ट के साथ साथ पैंट भी खरीदना हुआ तो यहाँ पर मैं टी शर्ट को एक बार ऐड कर लूँगा, फिर पैंट को ऐड कर लूँगा और बाद में मैं एक साथ दोनों को बाय कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ टी शर्ट बाय करना है तो मुझे कार्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे स्टेप में एड्रेस इंटर करना होगा, मीन्स आप किस एड्रेस पे इस प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके अपना एड्रेस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ एड्रेस ऐड कर रखे हैं जो कि यहाँ पे सेव किया हुआ दिख रहा, मैं यहाँ पे नया एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट, सिटी, हाउस, बिल्डिंग नेम, रोड नेम, एरिया, कॉलोनी, ये सब सेलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है कि आपका घर है या फिर ऑफिस है। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल इंटर करके सेव कर लोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस ऐड कर लिया जहाँ पे मैं प्रोडक्ट मंगाना चाहता हूँ। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आप तीसरे स्टेप में पहुँच जाते हो जो कि है फाइनल पेमेंट स्टेप। अब पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग मेथड मिल जाता है, जैसे कि आप पेटीएम वॉलेट, गूगल यूपीआई, फ़ोनपे या फिर अदर यूपीआई से कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होगा कि जब डिलीवरी बॉय मुझे मेरे घर पे सामान देने आएगा, अर्थात यहाँ पे टी शर्ट देने आएगा, तब मैं उसको वहाँ पे कैश में पैसे दूंगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल प्राइस दिख जाता है, जिसमें कि हैंडलिंग फीस 5 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा और डिलीवरी चार्जेस मेरा फ्री था। अब आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। अब आपको जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखता है इंटर कर देना है 798 और आपको कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है और यहाँ पे मुझे एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है। इस तरह से यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी दिख जाएगा, मीन्स संडे 18 दिसंबर तक मेरे प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा। आज है 9 तारीख और 18 तारीख को डिलीवर किया जाएगा, मीन्स यहाँ पे लगभग 9 दिन का टाइम लग रहा। अब मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। अब चाहो तो कभी भी आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो, मीन्स आपके ऑर्डर का क्या स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑर्डर्स का सेक्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। ऑर्डर्स के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो ऑर्डर आपने प्लेस किए होंगे उसका कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे मैंने अभी इस ऑर्डर को प्लेस किया था, इस पर क्लिक करके मैं इसका स्टेटस चेक कर सकता हूँ। जैसे कि ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है 9 तारीख को, उसके बाद इसका शिपमेंट होगा, आउटफॉर डिलीवरी होगा और डिलीवर किया जाएगा 18 तारीख को। अगर आप ऑर्डर करने के विद इन कुछ घंटे ऑर्डर को कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, मीन्स अगर आप बिफोर शिपमेंट कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो इस कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करके। अगर आपको कैंसिल करना हुआ तो सिंपली आप दोबारा से कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको रीजन फॉर कैंसिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट्स भी ऐड कर देना है और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका कैंसिलेशन भी कन्फर्म हो जाता है। तो चूंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस किया था तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर कैंसिल करने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर प्लेस करते समय ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होता तो ऑर्डर कैंसिल करने के बाद आपको रिफंड उसी बैंक अकाउंट में वापस से भेज दिया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आपको मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप सीखना चाहते हो कि अमेजोन से कैसे ऑर्डर प्लेस करना होता है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।